हेलो एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसकी यूनिट 2 में हमारा जो चैप्टर है उस इस पर चल रहा है हमारा पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में मैंने जो है एक लेक्चर जो है आपको पहले कवर करवा दिया है ग्लास को लेकर। अब ये इसकी जो है इसका सेकेंड लेक्चर है, जिसमें प्लास्टिक में हमें क्या देखना है, इसमें इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल के टाइप क्या होते हैं वो, और टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कितने टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसको लेकर, ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको जो है पीडीएफ इसकी जो है अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इससे पहले हमने जो है चैप्टर 1 भी जो है कंप्लीट करवाया, उसको भी जो है आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले, जिससे आपका जो है आसान हो जाएगी स्टडी करना, जिससे आपको जो है पहले की नॉलेज अगर होगी ना, जो पिछले लेक्चर है वो अगर आप कवर कर लेंगे तो इससे आपको पता रहेगा कि अगले जो है किस तरीके से जो है आपको जो है चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो इसमें अभी हम देखते हैं प्लास्टिक को लेकर, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक यूनिट है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन को लेकर, ठीक है। क्या है डेफिनेशन में देखो, बेसिकली देखो डेफिनेशन तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से जो है बता दिया है कि किसी ऑफिशियल तरीके से जो है जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या है, ए वाइड रेंज ऑफ सॉलिड कंपोजिट मटेरियल विच आर लार्जली ऑर्गेनिक। क्या होते हैं प्लास्टिक, सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, लार्जली ऑर्गेनिक कंटेनिंग होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पे इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। यूजली बेस्ड अपॉन सिंथेटिक रेसिन और अपॉन मॉडिफाइड पॉलीमर्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड पोजिशिंग एप्रिसिएबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। इनका यूज किया जाता है, इनको सिंथेटिकली जो है रेजिन, ठीक है, रेजिन क्या होते हैं, एक तरीके से केमिकल होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू इसको जो है मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है, इसको बनाया जाता है पॉलीमर्स जो कि नेचुरली होते हैं, उनसे मिलकर, ठीक है, कुछ पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर इनको बनाया जाता है, ठीक है। और एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इनको जो है ताकि जो है कोई प्रोडक्ट हो तो इनमें क्या हो वो लीकेज ना करें, ठीक है, और क्या हो एक सॉलिड क्या हो सॉलिड बेस इनका जो है सॉलिड तरीके से इनको तैयार किया जा सके, एक इनको जो है अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जो है क्या किया जाए इनको जो है पूरी तरीके से जो है एक गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ जो है तैयार किया जा सके, ठीक है। एट ए सुटेबल स्टेज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट प्लास्टिक कैन बी कॉस्ट मोल्डेड और पोलिमराइज डायरेक्टली टू शेप, ठीक है। तो ज्यादातर प्लास्टिक जो होती है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ उनकी जो कॉस्ट होती है कुछ की क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, कुछ को जो है बनाना क्या होता है आसान होता है, और कुछ क्या होती है, कुछ प्लास्टिक को जो है हीट किया जाता है, उसके बाद उनको जो क्या किया जाता है शेप दिया जाता है, ठीक है, उनको डिफरेंट शेप में जो है डाला जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, उनको क्या किया जाता है डायरेक्टली कुछ पॉलीमर से क्या किया जाता है उनको पहले पिघलाया जाता है, उसके बाद उनको क्या किया जाता है शेप दिया जाता है। तो वही चीज में बताइए आपके, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया क्या लिखना है, सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से टाइप्स है प्लास्टिक मटेरियल के, ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स है प्लास्टिक मटेरियल के, ठीक है। इसमें थर्मोप्लास्टिक टाइप आ जाएगा और थर्मोसेटिक टाइप आ जाएगा, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक टाइप और थर्मो
सेटिंग टाइप, तो ये यहाँ पे गलत हो गया है, पैकेजिंग मटेरियल आ गया, इसकी जगह आएगा प्लास्टिक, ठीक है। तो मैं इसको जो है अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। थर्मो प्लास्टिक टाइप और थर्मोसेटिंग टाइप, ये दो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, ये दो इसकी क्या है, ये दो टाइप है। थर्मोप्लास्टिक टाइप क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइप, थर्मोप्लास्टिक टाइप वो होते हैं जिनको इजीली हीट करने पर जो क्या कर, क्या हो जाए, पिघल जाए, ठीक है, हीट करने पर पिघल जाए, ठीक है, जो अपना आकार, जो उनका जो आकार होता है वो क्या कर देते हैं, वो खो देते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है, जो और जिनको जो है डिफरेंट साइजेस में क्या हो सके, डाला जा सके, ठीक है, हीट करने में। तो थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑन हीटिंग, यहां भी वही दिया हुआ है, ऑन हीटिंग दे आर सॉफ्ट है, सॉफ्ट होते हैं टू विस्कस फ्लूड, विच हार्डन अगेन ऑन कूलिंग, और दोबारा जो है हीट करने पर क्या हो जाए, क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, ठंडा करने पर क्या हो जाए, जब उसको ठंडा किया जाए तो क्या हो जाए, वो हार्ड शेप ले ले, रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, यानी किसी क्या हो, रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज लीकेज वगैरह से, ठीक है, टूटे ना, ठीक है, एंड कीप टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन एन अट्रैक्टिव कंटेनर, ठीक है, जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, उनको जो कंटेनर होते हैं उनको किस टाइप की जो है, जो थर्मोप्लास्ट, ये जो इसका थर्मो टाइप है, इसके हिसाब से इनको जो है क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया, वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और क्या हो, एक बेटर प्रोटेक्शन पावर, क्या कर, बेटर प्रोटेक्शन क्या तरीके से क्या कर सके, उसको प्रोटेक्ट को जो है, जो है उस जो है कंटेनर को अट्रैक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसके, ठीक है, तो क्लियर हो गया। थर्मोप्लास्टिक टाइप क्या होते हैं, जो कि इजीली क्या हो जाए, सॉफ्ट हो और क्या हो जाए, किसी भी शेप में क्या किया जा सके, उसको जो है डाला जा सके। एग्जाम्पल पॉलीइथाइलीन, तो ये एग्जाम्पल जो है पूछा जा सकता है एक नंबर में, थर्मोप्लास्टिक टाइप के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इसमें चार से पांच एग्जाम्पल है, पॉलीइथाइलीन, पीवीसी पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीअमाइड और पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हुए। थर्मोसेटिक टाइप, अब ये क्या होते हैं, देखो जिसको हीट किया वो क्या हो गया, आसानी से क्या हो गया, उन्होंने अपना शेप चेंज कर दिया, पिघल गए, ठीक है, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। पर थर्मोसेटिक टाइप क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, इनको जब हीट किया जाता है तो ये क्या फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, डो नोट बिकम लिक्विड, इनको लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो थर्मोसेटिक वाले क्या होते हैं, इनको जो है ये जल्दी से अपना आकार क्या होते हैं, नहीं खोते ये, लेकिन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, ठीक है। वेल हीटेड, जब इनको हीट किया जाता है, दे में बिकम फ्लेक्सिबल बट दे डो नोट बिकम लिक्विड, पर ये लिक्विड नहीं बनते। ड्यूरिंग हीटिंग, जब इनको हीट किया जाता है, सच मटेरियल फॉर्म परमानेंट क्रॉस लिंकेज, ठीक है, तो कुछ मटेरियल होते हैं जिनका जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं बिटवीन द लीनियर चेन्स, रिजल्टिंग इन सॉलिडिफिकेशन एंड लॉस ऑफ प्लास्टिक फ्लो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका जो प्लास्टिक, जो जिस तरीके से प्लास्टिक को जो है मॉडिफाई करना है, ठीक है, उस तरीके से उसको जो है मॉडिफाई नहीं हो पाते, तो इसलिए ये क्या कर देते हैं, अपना जो फ्लो होता है उसको क्या कर देते हैं, जो प्लास्टिक का फ्लो होता है उसको लॉस कर देते हैं। एग्जाम्पल फेनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सिंपल है, फेनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगर पांच नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो उसकी डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। अगर पूछता है कि शॉर्ट नोट पूछता है कि प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखो, या पैकेजिंग मटेरियल में आएगा, ठीक है, तो जो पहले लेक्चर कवर करवाया क्लास वाला, वहां से थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वहां से कवर कर लेंगे, उसके बाद बाकी जो रहेगा यहाँ से कवर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में क्या है, पहला, इसका जो पहला टाइप है वो है पॉलीइथाइलीन,
इसका पहला टाइप क्या है, पॉलीथाइलीन है, पॉलीथाइल। क्या होते हैं पॉलीथाइल? दिस इज यूज्ड एज हाई एंड लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन, ठीक है। इनका यूज किया जाता है जो लो और हाई डेंसिटी के जो ये क्या होते हैं, क्या एक तरीके से केमिकल होते हैं, ठीक है। इनको यूज किया जाता है प्लास्टिक को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका टाइप है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाई और लो डेंसिटी दोनों को ही रखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन जिसको LDPE बोलते हैं, इट इज प्रिफर्ड, ये प्रिफर्ड किया जाता है, ठीक है, प्रिफर्ड करता है प्लास्टिक फॉर स्क्विज बोतल। स्क्विज बोतल यानी जो बोतल होती है, ठीक है, जो थोड़ी सी फ्लेक्सीबल होती है, उसको ये प्रिफेयर करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इजी ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, प्रोसेस करना इजी है, आसान है बनाना, ठीक है। बेरियर टू मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर से बचाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रोसेसिंग आसान होती है, मॉइस्चर से बचाता है। स्ट्रेंथ टफनेस, ठीक है, क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, ठीक है, टफनेस उसको हार्ड बनाता है। फ्लेक्सीबिलिटी यानी फ्लेक्सीबल होता है, इजी ऑफ सीलिंग, उसको सीलिंग करना, उसको सील करना क्या होता है, उसकी सीलिंग क्या होती है, आसान होती है, ठीक है। तो ये पॉलीथाइलीन की क्या है, ये इसके एक तरीके से एडवांटेज भी बोल सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन जिसको HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन का क्या बताया, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है, जिसकी क्या, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दी। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन ये क्या होती है, इट इज लेस परमिएबल, ठीक है, ये लेस परमिएबल टू गैसेस एंड मोर रेजिस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंट टू ऑयल्स केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स। ये क्या होती है, लेस परमिएबल जो है बनाई होती है, इसमें गैसेस और ऑयल्स वगैरह या वाटर वगैरह जो होते हैं वो आसानी से जो है इसको पार नहीं कर पाते, ठीक है। ये लेस परमिएबल होती है, परमिएबल क्या होता है, यानी मान लीजिए किसी प्लास्टिक में क्या हो जाता है, किसी पेपर में या प्लास्टिक में वाटर क्या हो जाए, सोख लिया जाता है, ठीक है, वो क्या कर जाता है, परमिएबल होता है, ठीक है, वाटर उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है, वाटर चला जाए। अगर कोई प्लास्टिक कंटेनर ऐसा है जिसमें मान लीजिए मेडिसिन भरी हुई है और अगर उसमें वाटर चला गया या ऑयल चला गया तो क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा। तो इसलिए क्या होती है, लेस परमिएबल होती है, ठीक है, ज्यादातर रेजिस्टेंट होती है गैसेस और केमिकल और सॉल्वेंट से। प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस, स्टैंड टफनेस, वही सब आ जाएगी, रेजिस्टेंट टू केमिकल, केमिकल से रेजिस्टेंट होती है। इट इज वाइडली यूज इन बोतल्स, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है बोतल्स बनाने के लिए सोलिड डोजेज फॉर्म में, ठीक है, जो सोलिड डोजेज फॉर्म होती है उनके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सोलिड डोजेज फॉर्म जैसे मान लीजिए टैबलेट वगैरह हो गई कोई, ठीक है, कई टैबलेट होती है जो कंटेनर में आती है, तो उनको स्टोर करने के लिए जो है इसको उस टाइप के कंटेनर बनाने के लिए, बोतल बनाने के लिए इनको जो है ज्यादातर यूज किया जाता है, वाइडली यूज, ठीक है। HDPE ड्रॉबैक क्या है इसका, कुछ इसकी खामियां हैं, प्रोन ऑफ स्ट्रेस क्रैकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, कुछ क्रैकिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, सरफेस वगैरह पे, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल वगैरह, ठीक है, उसमें अगर जो है इसको अगर क्या किया जाए, यूज किया जाए तो उसमें इसको ज्यादातर जो है कम यूज किया जाता है। पॉलीप्रोपाइलीन ये भी इसकी एक क्या है, ये भी इसका एक टाइप है प्लास्टिक का। पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक, इट हैज गुड रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग विद फ्लेक्स, ठीक है, ये एक अच्छे रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस होती है इसकी, रेजिस्टेंस क्या होती है, अच्छी होती है, जो कि क्रैकिंग से क्या होती है, क्रैकिंग को कम करती है। क्रैकिंग का मतलब किसी जूट का जो है अगर मान लीजिए प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, चटक जाएगी, ठीक है। तो जब इसको क्या किया जाता है, फ्लेक्स होती है, गुड रेजिस्टेंट टू हीट स्टरलाइजेशन, हीट स्टरलाइजेशन से क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, अगर हीट पड़ेगी तो क्या होगी, ये क्या होगी, रेजिस्टेंट होगी, ठीक है, हीट को इजीली क्या आसानी से जो है पड़ने नहीं देगी, ठीक है। इट इज कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, ऑर्डर मतलब टेस्ट वगैरह, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल विद एक्सलेंट टेंसिल प्रॉपर्टीज, जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो क्या होती है, एक्सलेंट टेंसिल्स, यानी ये क्या होती है,
इनकी स्ट्रेंथ होती है एक तरीके से प्रॉपर्टी, इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में भी इन पर क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ता, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है। वाटर को ये जो है वाटर से रेजिस्टेंट होती है, ऑयल से रेजिस्टेंट होती है, केमिकल्स को एंटर नहीं करने देती। एक्सलेंट रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कालीज, एसिड और अल्कालीज से क्या क्या करती है, रेजिस्टेंट करती है, बचाए रखती है। लो परमेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर नहीं बनने देती, ठीक है। परमेबिलिटी टू गैसेज, इन गैसेज इज इंटरमीडिएट बिटवीन पोलीथाइलिन एचडी एंड अनप्लास्टिसाइज पीवीसी। तो एक तरीके से वही बताया है, ठीक है, पोलीथाइलिन एचडी और पोली जो अनप्लास्टिसाइज पीवीसी होती है उसके बीच का एक तरीके से किस तरीके से जो है गैसेज को जो है इंटरमीडिएट यानी बचा के रखती है। सूटेबल फॉर यूज इन क्लोजर, जो क्लोजर होते हैं यानी जो कंटेनर होते हैं उनके ऊपर उनके जो ढक्कन बनाए जाते हैं, ठीक है, वो उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या क्या बनाते हैं, इसको सूटेबल बनाते हैं। टैबलेट कंटेनर है, इंट्रामिनस बोतल, जो इंट्रामिनस बोतल होती है उनमें इसका यूज किया जाता है। पोलीस्टायरीन, ये भी इसकी एक वेराइटी है। पोलीस्टायरीन वर्सेटिलिटी इंसुलेशन क्लेरिटी इजीली फॉग। तो ये क्या है एक तरीके से इनकी जो है एक तरीके से इसका जो यूज किया जाता है ये इजीली क्या हो जाती है, फॉग हो जाती है, ठीक है, आकार बदल लेती है अपना, स्टायरोफॉग, ठीक है, चेंज हो जाती है एक तरीके से इसकी फॉर्म है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर जार्स, इसका यूज किससे किया जाता है, इसका यूज याद रखना, यूज किससे किया जाता है, ठीक है, इनके यूज याद रखना और इनकी प्रॉपर्टी याद रखना बस। इसका यूज किया जाता है जार्स वगैरह, ठीक है, जो बड़े बड़े जार्स वगैरह, जो कंटेनर, जो जार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें क्रीम वगैरह को स्टोर किया जाता है उसको बनाने में। फॉर ऑइंटमेंट एंड क्रीम विद लो वाटर कंटेंट, जिसमें वाटर कंटेंट क्या होता है, लो होता है, और ये क्या होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, क्या होता है, सेमी सॉलिड होते हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड। मैंने पहले ही बताया सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और सेमी सॉलिड में क्रीम वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। उनके जार्स वगैरह को जो है जार्स वगैरह में इनको जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी कुछ खामी है, क्या है ड्रॉबैक, केमिकल्स लाइक आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट प्रोड्यूस क्रैकिंग। क्रैकिंग एक तरीके से ये एक तरीके से सरफेस पर क्या हो जाते हैं, इसके क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है, क्रैक पड़ जाते हैं, फॉलो बाय वीकनिंग एंड इवेंचुअली कोलेप्सिबल ऑफ द कंटेनर। जो कोलेप्सिबल ट्यूब क्या होती है, जो जिनको क्या अगर पिचकाया जाए तो क्या हो जाती है, वो पिचक जाती है, अगर उसको जो है अगर उसको तोड़ेंगे भी ना, अगर फाड़ेंगे भी तो क्या हो जाते हैं, मेटेलिक होते हैं ये, ठीक है, मेटेलिक होते हैं, जिनको पिचकाया जाए तो क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, ठीक है, तो क्या पड़ जाते हैं, क्रैकिंग पड़ जाते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। एक पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसकी एक वैरायटी है। वर्सेटिलिटी इज ऑफ ब्लेंडिंग स्ट्रेंथ टफनेस रेजिस्टेंट टू ग्रीस ऑयल, ठीक है, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स क्लियरिटी। एक तरीके से वही सब बता रहा है कि जो है इसका क्या इजी होता है, ठीक है, बनाना क्या होता है, इजी होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, टफनेस होती है, ऑयल केमिकल्स वगैरह से रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट करता है, ठीक है, बचा के रखता है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है रिजिड पैकिंग मटेरियल में, मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रावीनस बैग, ठीक है, जो इंट्रावीनस बैग वगैरह होते हैं उनको बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका ड्रॉबैक वही पुअर इंपैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, वाटर वगैरह ऑयल वगैरह क्या हो जाते हैं, केमिकल्स वगैरह इसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है, इसकी जो है पुअर परमेबिलिटी होती है, पुअर इंपैक्ट होता है, ठीक है। इम्प्रूव बाय एडिंग इलास्टोमर, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, एड करके, एडिंग इलास्टोमर्स ऑफ द प्लास्टिक्स, ठीक है, इलास्टोमर्स एक तरीके से ये क्या होते हैं, प्लास्टिक के जो है केमिकल होता है जिसमें जिसको एड करके उसको क्या किया जाता है, जिसकी वेराइटी जिसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, ताकि वो क्या कर क्या हो सके, रेजिस्टेंस हो सके, ठीक है, इन सब चीजों में, ठीक है, टू द प्लास्टिक्स, बट इट विल
इंक्रीज इट परमिबिलिटी, ठीक है, जो कि इसकी परमिबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एडवांटेज, एडवांटेज तो सिंपल है, आप कर ही लोगे। पुअर कंडक्ट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो है हीट को कंडक्ट, पुअर कंडक्टर होता है हीट का। दे आर रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, प्रोटेक्शन पावर अच्छी क्या होती है, एक प्रोटेक्शन पावर अच्छी होती है। लो इन कॉस्ट, सस्ता होता है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया। लाइट इन वेट, हल्की होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट डिस्पेंसिंग, प्रोडक्ट को डिस्पेंस करने के लिए जो है फैसिलिटी, यानी जो क्या होता है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट को आसानी से क्या किया जा सके, डिस्पेंस किया जा सके। ऑर्डरलेस एंड इनर टू मोर केमिकल्स, ऑर्डरलेस मतलब जिसका टेस्ट, ठीक है, जिसका कोई टेस्ट ना हो, एंड इनर्ट ऑफ मोस्ट केमिकल्स, ज्यादातर केमिकल्स से क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। अनब्रेकेबल एंड लीक प्रूफ, अनब्रेकेबल होता है, टूटता नहीं आसानी से, और लीक प्रूफ होता है, ठीक है, लीकेज नहीं करता, फटे ना तो लीकेज नहीं करता। एबल टू रिटेन देयर शेप थ्रू आउट देयर यूज, तो ये सब वही चीज है। इज ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको जो है इसको हैंडलिंग करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना क्या होता है, इजी होता है, ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज भी वही कॉमन है, ये सबको आप लिखी लोगे। दे आर नॉट एज केमिकली इनर्ट एज टाइप वन क्लास, टाइप वन क्लास के मुकाबले क्या होता है, ये केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। दे आर नॉट केमिकली इनर्ट एज टाइप वन क्लास, टाइप वन क्लास के मुकाबले क्या होता है, केमिकली इनर्ट नहीं होता, ठीक है। ये कह रहा है कि टाइप वन जो क्लास है, इसलिए कह रहा हूँ जो पिछले लेक्चर है वो कवर कर लेता, इससे आपको दोबारा चीजें क्या हो जाएगी और आसान हो जाएगी, तो इसलिए। लीचिंग फ्रॉम कंटेनर टू प्रोटेक्ट, ठीक है, जो कंटेनर होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है, लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मान लीजिए वॉटर है, वाटर में अगर फॉर्म का टुकड़ा डाला गया तो फॉर्म का टुकड़ा क्या कर देता है, वाटर को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो लिक्विड मटेरियल को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज का एड हो जाना, ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड आयन ऑन द प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, जो ड्रग के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं प्लास्टिक मटेरियल के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, या प्लास्टिक के जो प्लास्टिक होती है उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ड्रग में ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। दे मे पासिस एना इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जेस, ठीक है, और कुछ कंडीशन में क्या कह जाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जेस भी क्या कह जाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो पास कर देते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, तब तक आप क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसको हम लेकर आएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ क्या करा दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है।